हाय गाइस, दिस इज एनकर फ्रॉम जिनर स्ट्री चैनल। तो स्वागत है आपका जिनर स्ट्री चैनल में। डोंट मॉक अप, ट्राई टू बिल्ड अ पर्सनल एंड लॉजिकल स्टडी। पहले क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान है जी? तो भारत का 11वां स्थान है। पहला किसका स्थान है? तो स्वीडन का है। स्वीडन के बारे में जान लेते हैं जी। जो ग्लोबल वार्मिंग इंडेक्स में स्वीडन का रैंक क्या है जी? पहला है। तो स्वीडन का कैपिटल क्या है जी? स्टॉकहोम है। स्वीडन की करेंसी क्या है? तो स्वीडिश क्रोना है। चलिए जी, तो हम लोग इस क्वेश्चन से इतना सब सीखें। और देखिए, जो इंडेक्स वाले क्वेश्चन है, इंडेक्स वाले क्वेश्चन को एक बार हम लोग पूरा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत ही आ रहे हैं एग्जाम में। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2018 में इंडिया का क्या रैंक है जी? तो 57 रैंक है। पासपोर्ट इंडेक्स में क्या है जी? तो हमारा 66 रैंक है। वैश्विक शांतिक सूचकांक में 136 रैंक है इंडिया का जी। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में क्या है जी? 96 रैंक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 138 रैंक है जी। विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स में 133 रैंक है। वैश्विक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 81 रैंक है। वैश्विक बोध संपदा सूचकांक में 44 रैंक है जी। IEIU लोकतंत्र सूचकांक में 42वां रैंक है। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 177 रैंक है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 81 रैंक है। वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक में 108 रैंक है। वैश्विक हंगर में जी 100वां रैंक है, जो अब घट के क्या हुआ है जी? नहीं, 103 रैंक हो गया है जी। अब घट के क्या हुआ? 103 रैंक हो गया है जी। मानव विकास सूचकांक में 130 रैंक है जी। मिलिट्री में हमारा रैंक क्या है जी? तो 4था रैंक है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या रैंक है जी हमारा? 30 है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या रैंक है जी? पहले 100 था, अब 77 हो गया है। वेल्थीएस्ट में कितना है जी? अमीर में कितना है? तो 6ठा स्थान है जी। टैलेंट कंपटीशन में क्या है जी? टैलेंट कंपटेटिव इंडेक्स में क्या रैंक? 81 है जी। कॉमनवेल्थ इनोवेशन में क्या है जी? तो 10वां रैंक है। तो हमने इंडेक्स से इतने सारे क्वेश्चन का रिवीजन किया है। आप लोग फिर से इस वीडियो को पॉज कीजिएगा और बैक जाके क्वेश्चन रिवाइज कीजिएगा जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हमें बढ़ेंगे जी। देखिए, इंडेक्स वाले जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा और कोशिश करिएगा पूरे का पूरा ही याद करने के लिए, रिवीजन करने के लिए। मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कितने लिया जी? तो देखिए, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बन रहे जी? जोरमथंगा बनेंगे। एक्चुअली ये पहले भी क्या किए हैं जी, मिजोरम के मुख्यमंत्री थे। मिजोरम के ये क्या हैं, तो 1998 से लेकर 2008 तक क्या रहे थे जी? ये वहाँ के मुख्यमंत्री रहे थे, जोरमथंगा। देखिए जी, और इन्होंने क्या किया है, जोरमथंगा ने आपको 26 सीटें जीते। 40 विधानसभा की सीटें थी, उसमें से 26 सीटें जीती। इनकी पार्टी का नाम है जी मिजो नेशनल फ्रंट नाम है, मिजो नेशनल फ्रंट है। और 1998 से लेकर 2008 तक क्या किया जी, इन्होंने सीएम पोस्ट पे बने रहे हैं जी। आइजोल यहाँ का क्या है, कैपिटल है। सीएम कौन है जी? गवर्नर कौन है? के राजशेखरन है जी। तो इस क्वेश्चन से हम लोग इतना सीखे जी। तो देखिए, जोरमथंगा क्या है जी, इससे पहले भी दो बार कंटिन्यूस क्या है जी, दो बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 10 साल के लिए रहे हैं और फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि हम लोगों ने मिजोरम के बारे में इतना सीखा। और मैं आपसे भी बताऊंगा, आप जब भी पढ़े किसी भी स्टेट के बारे में, तो आप उसको पूरा रिवीजन करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें जी। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे जी? तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनेंगे कमलनाथ बनेंगे जी। ये हमारे बात की जाए तो एक कांग्रेस के लीडर हैं जी। कांग्रेस ने वहाँ पर 230 सीटों में 114 सीट लेकर आई है जी, और 109 कौन सा लाया है, तो बीजेपी लाया है। तो इस तरह देख सकते हैं कि यहाँ पे मध्य प्रदेश का क्या बन रहा है जी, मेजोरिटी बन रहा है। और वहाँ कमलनाथ जो हैं मुख्यमंत्री कौन बनेंगे जी? तो कमलनाथ जी वहाँ का मुख्यमंत्री बनेंगे मध्य प्रदेश का, कमलनाथ जी। चलिए अगले क्वेश्चन के। रेलवे ने जनवरी 2019 में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आयोजित होने जा रहे कुंभ मेले के लिए 700 करोड़ रुपए की कितनी योजनाएं शुरू की है? तो कितनी योजनाएं की है जी? तो टोटल 41 योजनाएं की हैं, जिसमें से 29 योजनाएं कंप्लीट हो गई है। तो देखिए, प्रयागराज का है, प्रयागराज आपको भी पता है। इलाहाबाद का क्या है जी, नया नाम रख के क्या किया गया, प्रयागराज किया गया है। किस राज्य के हाईकोर्ट में
एक मामले की सुनवाई में किस देश के विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ था, इसलिए उस समय भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। एक किसी राज्य के हाई कोर्ट ने क्या बोला है, जिस समय विभाजन हुआ था तो हिंदू मुसलमान के बेसिस पर हुआ था, तो हिंदुस्तान को क्या करना है, हिंदू कर देना चाहिए थी। ये तो बिल्कुल गलत है। मेघालय किसके द्वारा बोला गया, तो मेघालय हाईकोर्ट बोला गया। आपको ही पता है कि उस समय जो बंटवारा हुआ था, मुसलमान के कुछ ही नेता ने मुसलमान कंट्री का राज किया था, मुसलमान कौम नहीं मांग कर रही थी, तो ये तो गलत कंसेप्ट है। टीवीएस मोटर के चेयरमैन का नाम क्या है, जिन्होंने हाल में टाटा ट्रस्ट ने वाइस चेयरमैन नियुक्त किया। देखिए टाटा ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन किसे नियुक्त किया था, तो वेणु श्रीनिवासन को किया गया। टीवीएस मोटर के चेयरमैन जो टाटा ट्रस्ट है, आपको जो टाटा कंपनी है इंडिया में उसी का एक पार्ट है, और इसका वाइस चेयरमैन किसे नियुक्त किया था, वेणु श्रीनिवासन को किया है जी। टाटा का ही इसमें कुछ शेयर है जी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल में ही किस बैंक ने घोषणा की कि वह 31 दिसंबर तक देश भर में 40 नई शाखाएं खोल लेंगे, जिससे उसे कुल शाखाओं की संख्या 978 हो जाएगी। तो कुल 978 हो जाएगी, कौन है जी, तो ये बंधन बैंक हमारा है। कौन है, तो बंधन बैंक है। यहाँ से देख सकते हैं कि बंधन बैंक की अब क्या हो जाएंगी शाखा जी, 40 नई शाखाएं खोलने से 978 टोटल संख्या हो जाएंगी, और ये 31 दिसंबर तक ये फुलफिल कर लेगा जी। अपनी ब्रांच क्या करेगा, 31 दिसंबर तक खोल लेगा। ऑस्ट्रेलिया के ये 102 वर्षीय महिला का नाम क्या है, जो स्काई ड्राइविंग करने की दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला बन गई है। तो देखिए सबसे उम्रदराज बन गई, देखिए इनका उम्र भी क्या है जी, 102 वर्ष है। तो कौन है, आरिन ओसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया के स्काई ड्राइविंग जो फेडरेशन है उसने किया है जी। क्या किया, 102 वर्ष महिला को क्या है जी, स्काई ड्राइविंग कराते हुए एक उम्रदराज महिला का रिकॉर्ड क्रिएट किया है जी। कौन है, आरिन ओसे हैं। विदेश मंत्री के बारे में जानते हैं जी। तो विदेश मंत्री वीके सिंह के द्वारा लोकसभा में दिए गए बयान के अनुसार विश्व के भाग में 2014-18 के दौरान कुल इतने भारतीय नागरिकों की मौत हुई है, 28,000, लगभग 28,500 वे कहाँ हुए, तो खाड़ी देशों में हुआ। खाड़ी देशों में आपको भी बताया कि इंडिया के बहुत सारे लोग क्या हैं, मजदूरी करने जाते हैं, और इसलिए वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खाड़ी देशों में लगभग 28,500 यानी 28,523 भारतीय नागरिकों को क्या हुई, मृत्यु हुई है, लगभग 28,500। खाड़ी देशों में सारे आपको आते हैं गल्फ कंट्रीज। निम्नलिखित किस हाल में तेलंगाना का मुख्यमंत्री पद से शपथ ग्रहण किया, निम्नलिखित किसने, तेलंगाना का मुख्यमंत्री, तो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं जी, तो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री आपको बने हैं वहीं जो पुराने वाले हैं चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव ही बने हैं जी। बात की जाए तो उनके पार्टी का नाम क्या है, तेलंगाना राष्ट्र समिति नाम है, और ये वहाँ के उन्होंने 88 सीटें लाई, 119 में से 88 सीटें जीए जी। बात की जाए तेलंगाना का गठन कब हुआ था, तो जो जून 2014 को हुआ था। निम्नलिखित में से हाल में ही पर्सन टाइम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है, तो पर्सन टाइम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है जमाल खशोगी को, जो क्या है, जमाल खशोगी, स्वर्गीय जमाल खशोगी, एक्चुअली जमाल खशोगी का डेथ हो गया है जी। तो पर्सन टाइम ऑफ द ईयर, पहली बार ऐसा हुआ है कि टाइम्स मैगजीन ने किसी मृत व्यक्ति को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया है 2018 का जी। कौन है, जमाल खशोगी हैं। ऐसे भी और भी दो हैं जिन्हें भी और भी मिला है जी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का। नासा ने अंतरिक्ष यान में क्या नाम है, जिसने हाल में सौर मंडल के छोर तक पहुंचने का रिकॉर्ड कायम किया जी, तो वो कौन है, वो वायजर कौन है जी, वायजर टू है। आप यहाँ से फोटो में देख सकते हैं वायजर टू के बारे में, तो वायजर टू देखिए जी, वायजर वन है, वायजर टू है। देखिए वायजर वन थोड़ा पहले पहुंचा है जी, 2016 में पहुंचा था, और वायजर वन क्या है जी, वायजर टू क्या है जी, अभी पहुंचा है हाल फिलहाल में। तो आप देख सकते हैं यहां से कि वायजर क्या है जी, वायजर टू जो है नया रिकॉर्ड क्रिएट किया जी, सौर मंडल के छोर पर पहुँचने का नया रिकॉर्ड किया। इससे पहले वाइजर वन भी गया था, आपने फिगर में देखा, अब वाइजर टू गया है। तो अब वाइजर वन 2016 में गया था, और वाइजर टू कहाँ गया जी, अभी हाल फिलहाल में गया, 2018 में गया। बात की जाए नासा के बारे में, तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है जी, तो नेशनल, आप यहाँ से देख सकते हैं नासा का फुल फॉर्म क्या होता है जी, तो फुल फॉर्म यहाँ से देख सकते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इन स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है जी। तो नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी है। इसका स्थापना कब हुआ था, 1958 में हुआ था जी। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का क्या है जी, तो स्पेस एजेंसी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्पेस एजेंसी है,
कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रसिया का स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, तो क्या है रसिया का स्पेस एजेंसी का नाम, तो नॉसकॉम है, क्या है जी रॉसकॉस्मोस है। चाइना का क्या है, सीएनएक्स है। वैसे ही पूछता है जापान का, यूरोपियन यूनियन का, तो आप इस सबको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का नाम क्या है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कल का क्वेश्चन है जी, आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने। तो हमने कल क्वेश्चन दिया था जी, आरबीआई कौन बने, तो अमिताभ कांत बने। चलिए जी आज का क्वेश्चन है, 12 दिसंबर 2018 को किसने नई दिल्ली में कला उत्सव का क्या किया जी, उद्घाटन किया है। ये आज का क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। हेलो, अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें ताकि वो भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सके जी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। एंजॉय योर लाइफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।